हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और देख लो, अभी फिलहाल हम चाची के घर में आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शन वगैरह हो रहा है। गीत गवा रहा है तो आवाज में भी क्लियर नहीं आएगा। आज है हमारे यहाँ तिलक और ये रहा हमारा ड्रेस, ये देख लो, सिंपल बिल्कुल। अभी तिलक पेशकी का टाइम है, हमारे यहाँ क्या क्या विध है वो दिखाते हैं। इधर नाश्ता, यार नाश्ता देने में परेशान है, इतना सारा नाश्ता दे दिया गया है तब भी पूरा नहीं। यमुना के डाली पे राहरी ओ चाहरी, यमुना के डाली लगल हो पुराना मचान है चिनीरा, कितना के ले भी तू जा है चिनीरा, कितना के ले का फोटो शूट हो रहा है। ऐसे ना तोरा को सर आता है। तानी चार से भूखला लान समझ जी हमारो, तानी चार से भूखला लान समझ जी हमारो, अरे कहीं का प्राण दीती, कहीं का प्राण दीती। देख लो लुक, लाइट लगा तो कितना अच्छा लग रहा है। और ये रहा इधर का, आज कुर्सी वगैरह और डेकोरेशन का सारा चीज भरा हुआ था। अभी जाकर टाइम मिला है तो कपड़ा वपड़ा चेंज किया, इतना हालत खराब, इतना हालत खराब कि बस। इन सबों से मेरे को एक चीज सीखने को मिला है, वो ये है कि शादी ना हमेशा दूसरों के यहाँ का अच्छा होता है, अपने यहाँ का तो एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब वो भी हम अकेले थे, छोटा वाला भाई था नहीं घर में, एग्जाम था उसका। और देख लो छत पर बिल्कुल खाली खाली। अभी नीचे मटकोर होने वाला है, गांव देहात में होता है, शहर का क्या रूल है ये पता नहीं है मेरे को, गांव देहात में होता है। वही सब लेडीज कर रही हैं, छत के ऊपर से दिखाते हैं, वैसे नीचे से भी है, तो आप लोग इंजॉय करो। शरीर में हल्दी वल्दी लगता है ना, तो वो बड़ा रस्म हो गया है। आँख में काजल लगाया जा रहा है, इसके बाद मट्टी कोरने जाया जाता है हमारे यहाँ। और अभी ऊपर का जो पंडाल है इसमें बलून बलून लगने का आज जो हुआ है ना, देखने में अच्छा ज़्यादा लग रहा है। भेपर वगैरह लगा है, झालर वगैरह, तो देख लो एक बार ये भी, ये देख लो उधर से एंट्री था, ये रहा चारों तरफ का नज़ारा। यहीं पर तिलक का कार्यक्रम हुआ था, इधर लेडीज सब बैठी थी, गीत गा रही थी। अभी तो नीचे फर्श दिखाएंगे नहीं, इतना गंदा कर रखा है सब। दो दिन तक जितना, दो दिन पहले तक जितना साफ था उतना ही आज के डेट में गंदा हो रखा। तो यही सब था यार, अब देखते हैं अगले दिन क्या होता है। सो अब को और आगे कंटिन्यू कल करते हैं। हेलो, मरवा गराना स्टार्ट हो गया है, ये रहा ऊपर जा रहा है मरवा, ये रहा। बस रोपण हो गया है, अब कोई और पूजा होने वाला है शायद से, सत्यनारायण स्वामी का पूजा होगा, उसका तैयारी चल रहा है। पूजा स्टार्ट हो गया है, अंदर पूजा स्टार्ट हो गया है, ढोलक झाल का भी व्यवस्था है। चलो दिखाते हैं अंदर आप लोगों को। Thank you.
आंगन में मरवा लगा है, ऊपर से देख लो कैसा लग रहा है ये देखने में। ये रहा ऊपर, इतना ही हाइट है। ऊपर में आम का पत्ता बांधा जाता है। रात के करीब 12 बज गया है, हम करीब करीब सबको खिलाए और हमें खिलाने वाला कोई नहीं, खुद अकेले खा रहे हैं, अकेले सारा खाना निकाले हैं। अब लास्ट में हम खा रहे हैं, सबसे अंतिम में। खाने में क्या है सो देख लो, दाल है, सब्जी है, चावल है और दाल में घी है। एक और सब्जी था बैंगन का, जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। घर में जो देव पूजा हो रहा है वो हो रहा है, चलो आप लोगों को दिखाते हैं। नमस्ते सर्वभूते तत्त्वे, नमस्ते देवता, प्रार्थना करिए कि हमारे कुल का वृद्धि हो, धन का वृद्धि हो, गोत्र का वृद्धि हो, काल को हरिए, दुख को हरिए, संकट को हरिए। देखिए ऐसे कदम हो जाता है अभी जो रसम दिखाए थे उसे हमारे यहाँ घी ढराई का रसम बोला जाता है। अब इसके बाद क्या होगा वो धीरे धीरे आगे ब्लॉग में दिखाते रहे। ऋषभ भी आ रहा है ब्लॉग में। ये देख लो मौसा खर खर कितना कर रहे हैं।